महाराष्ट्र की नाजायज सरकार की, भाजपा की भगोड़ी महाराष्ट्र सरकार की, क्या आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? आप प्रांतों का टकराव करवाना चाहते हैं? दूसरे प्रांत में नहीं जा पाए, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान झगड़ा करवाया, बॉर्डर डिस्प्यूट करवाया, लोग मरवाए, महाराष्ट्र और कर्नाटक का झगड़ा करवा रहे हैं जानबूझकर। बगैर विलंब के इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। हिंदुस्तान के संघीय ढांचे का और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। एक दूसरे पर गोली चलाएं और ये रोटियां सेकें, और नहीं तो कर्नाटक मत आइएगा चुनाव का प्रचार करने। फेडरलिज्म, संघीय ढांचा जो इस देश में है, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की, महाराष्ट्र की नाजायज सरकार ने, क्योंकि वो वोट से चुनी हुई सरकार नहीं, वो भगोड़ों को इकट्ठा करके बनाई हुई शिंदे सरकार है, तो भाजपा की भगोड़ी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक स्कीम कर्नाटक के 500 और 600 गांव के अंदर लागू कर दी और 94 करोड़ रुपया आवंटित भी कर दिए। हम ये सवाल पूछते हैं मोदी जी और अमित शाह जी से, क्या आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? कल को हरियाणा पंजाब में स्कीम लागू कर देगा, पंजाब और हरियाणा दिल्ली के अंदर अपनी स्कीम लागू कर देंगे, पंजाब हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश में लागू कर देंगे, उत्तर प्रदेश बिहार में लागू कर देगा, बिहार आगे उड़ीसा में लागू कर देगा। आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? आप प्रांतों का टकराव करवाना चाहते हैं? पहले भी मोदी जी और अमित शाह जी की नाक के नीचे असम की पुलिस ने और अरुणाचल की पुलिस का इसी प्रकार से टकराव हुआ, जिसमें सिविलियंस मारे गए, बाकायदा एक प्रांत की दूसरे प्रांत की फायरिंग हुई, और 6-8 महीने तक एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में नहीं जा पाए, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। जो उत्तर पूरब में आपने किया था अमित शाह जी मोदी जी, वो आप अब दक्षिण भारत के अंदर भी कर रहे हैं। आपने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम का झगड़ा करवाया, बॉर्डर डिस्प्यूट करवाया, लोग मरवाए। 8 महीने तक मणिपुर का आदमी असम नहीं आ पाया, क्यों? अरुणाचल का आदमी असम नहीं आ पाया, क्यों? ये हमारा मुल्क है, हम कहीं भी जाएं। अब आप महाराष्ट्र और कर्नाटक का झगड़ा करवा रहे हैं जानबूझकर। दोनों जगह आपकी सरकार है, हर रोज मोदी जी बार बार वहां जाते हैं। बसवराज बोम्मई के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं बची, वो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि वो ना कर्नाटक के हितों की रक्षा कर सकते, ना हमारे कन्नड़ा भाई बहनों के हितों की रक्षा कर सकते। ऐसे मुख्यमंत्री को, जैसा आप दोनों ने कहा, बगैर विलंब के इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। और दूसरी तरफ मिस्टर शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे का और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर को आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके उनकी सरकार को और मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बर्खास्त हों, इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बर्खास्त हों, क्योंकि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, जातियों का टकराव, एससी एसटी का टकराव, लिंगायत वोका लीगा का टकराव, अब कुछ नहीं बचा, तो अब प्रांतों का टकराव करवा रहे हैं। केवल और केवल तोड़ने की ये नीति है। जब उनके पास सब खत्म हो गया, तो अब वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का टकराव हो, लोग आपस में मरें, पुलिस एक दूसरे पर गोली चलाएं और ये रोटियां सेकें। हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी जिंदा है। सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में संघीय ढांचे का उल्लंघन जो महाराष्ट्र द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री वापिस ना आए कर्नाटक, अमित शाह जी वापिस मत आइएगा कर्नाटक, या तो शिंदे को बर्खास्त करिए और इधर बोम्मई जी का इस्तीफा लीजिए, और नहीं तो कर्नाटक मत आइएगा चुनाव का प्रचार करने, क्योंकि कर्नाटक के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।